रीवा जिले के NH 30 सुहागी पहाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 40 यात्री घायल हुए, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की मदद से घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे में मृत हुए व्यक्तियों के शव को त्योंथर के सिविल अस्पताल में PM के लिए भेजा गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले में जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ के पास एक यात्री बस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार दो चालक समेत 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी यात्री दीपावली की खुशियां मनाने हैदराबाद के सिकंदराबाद से बस में सवार होकर लखनऊ अपने घर जा रहे थे। इस बीच बस पहले कटनी पहुंची, पर लखनऊ के लिए कटनी से और सवारियों को भरा गया था, पर बस सवारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। रीवा के सुहागी पहाड़ पर होकर एक ट्रक से जा टकराई। इस भीषण भिड़ंत में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जानकारी के मुताबिक बस में 100 से अधिक यात्री सवार थे। पुलिस ने बताया कि एक के बाद एक इन बहनों की टक्कर हुई। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जो कि रीवा जिला अंतर्गत सुहागी थाना अंतर्गत घटना घटी है। रीवा से प्रयागराज जा रही बस में तकरीबन 40 से 50 यात्री बैठे हुए थे, जिसमें 15 यात्रियों को गंभीर चोट आई है और 15 यात्रियों की मौत हो गई है। जी हम आपको बता दें, रीवा जिले की ये पहली दिल दहला देने वाली इतनी बड़ी घटना घटित हुई है कि जिसके संबंध में जैसे ही प्रशासन को जानकारी हुई, दल बल के साथ मौके पर पहुंच चुका है। वहां से जो भी यात्री घायल हुए थे उनको संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है, जो कि इलाज चल रहा है। रीवा से प्रयागराज बस जा रही थी, तकरीबन 40 से 45 सवारी उसमें थे, जो कि बस ट्रक में पीछे ठोकर मारी है और बस खाई में गिरी है, जिसके चलते यह इतना बड़ा हादसा हुआ है। MKN न्यूज के साथ संवाददाता प्रद्युम्न शुक्ला।